अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आतिफ शहजाद आपका अपना चैनल इस्लामाबाद डीमोम्स मीडिया टाउन, इस्लामाबाद पीडब्ल्यूडी पे जो मीडिया टाउन है वहाँ पे खड़ा हूँ और ब्लॉक बी है, ब्लॉक बी में मैं एंटर हुआ। एंट्रेंस के साथ यहाँ पे एक घर है फॉर सेल, स्लाइटली यूज है। तो आए आप किसकी मैं लोकेशन दिखाता हूँ, फिर घर दिखाता हूँ, फिर डिमांड दिखाते हैं, इसके फीचर्स बताते हैं आपको। ये देखें जी, यहाँ पे मैं आया हूँ, ये मीडिया टाउन है, ये है हाउस फॉर सेल, ऊपर बोर्ड लगा हुआ है हाउस फॉर सेल का। इसका मैं आपको घर दिखाता हूँ अंदर से, फिर इसके फीचर्स बताते हैं आपको, डिटेल बताते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं इसकी प्राइस कितनी है। तो ये जो हाउस है जी मीडिया टाउन ब्लॉक बी में, इसका ये मेन एंट्रेंस वहाँ से हुई थी, वो मेन एंट्रेंस है। एंट्रेंस के साथ ये मेन बुलेवार्ड है, डबल रोड है, ये डबल रोड मैं आपको दिखा दूँ आमने सामने, और इसके लेफ्ट पे घर है। अगर घर में खड़े हो तो हाउस ये है, ये हाउस सेल है 168, ये हाउस फॉर सेल है। और ये इसके राइट साइड पे प्लॉट खाली है, बाकी आप अगर रोड का व्यू करना चाहे तो कर सकते हैं, बाकी फ्रंट एलिवेशन देखना चाहिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जी, इस घर को ये ऑनर है, इन्होंने खुद बनवाया है, स्लाइटली यूज्ड है, अभी वो इसमें रह रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक मेन मेन थिंग चीज़ें इसके दिखा देता हूँ, वीडियो दिखा देता हूँ, और फिर एंड में इसकी डिमांड बता देता हूँ। इन्होंने खुद बनवाया है, ड्यू टू सम रीज़न ये सेल करना चाह रहे हैं, नीचे नंबर लिखा आएगा, आपने रब्ता करना है। 11 मरले इसका साइज़ वो बता रहे हैं, 40 इसका फ्रंट है, 40 फ्रंट और 70 लेंथ है। बेसमेंट भी इसमें है और ऊपर के दो पोर्शन है, और बाहर ये देखें आप, मीडिया टाउन बहुत अच्छी खासी बड़ी क्यारी देता है, सीढ़िया की तरह। मीडिया टाउन के घरों की आप क्यारी देखें कि बहुत अच्छी बड़ी खूबसूरत क्यारी है। तो आए इस घर के अब अंदर चलते हैं, फ्रंट आपको एक बार फिर दिखा देते हैं, फ्रंट अगर आप देख लें, और ये एंट्रेंस के साथ दो बड़ी गाड़ियाँ ईजीली खड़ी हैं, ठीक है, वो सीडान डिगी वाली गाड़ी बड़ी, और ये दो गाड़ियाँ इजीली यहाँ पे खड़ी हैं। बेसमेंट आपको दिखाता चलो, तो बेसमेंट यहाँ से दोनों साइड से ओपन है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये देखें बेसमेंट का, यहाँ से भी इसका वेंटिलेटर का हवा का बंदोबस्त है, लेफ्ट साइड से ओपन है। और अब आप मेरे को मैं वहाँ से दिखा दूँ राइट साइड पर आपको ये ग्रीन एरिया भी मिलेगा। तो ये यहाँ से देखें, इन्होंने ये शीशे से कवर किया हुआ है, नीचे बेसमेंट वो ओपन है, ये आपको एक दिखाना मकसद था। तो अब आपको स्लाइटली अंदर से मैं दिखा देता हूँ, फ्रंट आपको दिखा दिया एंट्रेंस के बाद। एंट्रेंस स्लाइटली यूज है, घर आपको पता है इसमें वो रह रहे हैं। अभी इस फैल में बेसमेंट आपको दिखा देते हैं, ये एंट्रेंस सेंटर के साथ के लेफ्ट साइड नीचे सीढ़ियाँ जा रही हैं, यहाँ पे ये बेसमेंट है, बेसमेंट का रास्ता है, वहाँ से बाहर खिड़की से आपको दिखाया था वेंटिलेटर के लिए, हवा के लिए ओपन एरिया बेसमेंट का। बेसमेंट में आप देख रहे हैं सेपरेट रास्ता है, बेसमेंट का सेपरेट रास्ता है ग्राउंड फ्लोर का, साथ ही सीढ़ियाँ ऊपर की अलग, एज अ ट्रिपल स्टोरी भी ये काउंट हो सकता है घर। बेसमेंट में आप देखेंगे, यहाँ से मैंने आपको दिखाया था ऊपर ये जो ग्लास रखा हुआ है लगा हुआ है, और वो सामने आप जालियों में देख रहे हैं वेंटिलेटर का प्रॉपर, वहाँ से हवा का बंदोबस्त है। और ये एक खूबसूरत भी है जो इन्होंने ये शीशे वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ से अब आप देखें तो यहाँ से नीचे उतरें, लेफ्ट साइड पर किचन, ओपन किचन है, और लेफ्ट साइड किचन के बाद फिर आप यहाँ पर ये स्टोर ये रूम जी। तो ये लेफ्ट साइड पे मेरे किड्स रूम है, बच्चों का कमरा है, उनका बच्चों का अरेंजमेंट आप देखें, वाइट कलर के दरवाजे, साथ ये बेडरूम मिलेगा आपको, इस पर अगर आप एक नज़र डालना चाहें, अटैच बाथ के साथ इसका, अच्छा ये वाला रास्ता भी है बाहर से, ठीक हो गया। अच्छा ये वाशरूम नहीं है, वो सामने ये वाशरूम है और सामने वो रास्ता है, ठीक हो गया। वो सामने जो सामने का रास्ता है, ये बाहर का भी रास्ता निकलता है, जो मैंने आपको गैलरी दिखाई थी वो रास्ता है, साथ अटैच बाथ है। ये एक नॉर्मल साइज़ बेडरूम है, इसके साथ अगर आप यहाँ से बाहर देखें तो ये एक मास्टर बेड आपको मिल जाएगा बेसमेंट में, इस पर अगर एक आप नज़र डालना चाहें, मास्टर बेड मिल जाएगा, विंडो मिल जाएगी, अलमीरा मिल जाएगी, अटैच बाथ मिल जाएगा आपको इसमें भी। ये एक बड़ा बेड है बेसमेंट में, साथ छोटा कमरा, ये बड़ा बेड और स्टोव। बाहर अगर आप ओपन डाइनिंग भी देखना चाहें, टीवी लाउंज देखना चाहें, तो ये बेसमेंट का एक व्यू है जो मैंने आपको दिखाया। अब ऊपर देख लेते हैं हम, ये अगर ऊपर वाला फ्लोर वो देख लेते हैं, उस पर नज़र डालते हैं, ठीक है जी। ये बेसमेंट आपको दिखाई, बेसमेंट से ऊपर आए हैं, फिर वही बात, ये एंट्रेंस थी, लेफ्ट साइड बेसमेंट थी, ये ऊपर जाने का रास्ता, ये ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पर एक नज़र अगर हम डालते जाएँ तो एंट्रेंस के साथ आपको
सिटिंग एरिया मिल जाएगा, टीवी लाउंज आप समझ लें, डाइनिंग भी है यहाँ पे, आप अपनी मर्ज़ी से जो अरेंजमेंट करना चाहें। लेफ़्ट साइड पे इसके किचन मिलेगा आपको, किचन भी एक नज़र डाल लें, खासा बड़ा किचन है। और इस सामने आपको ये बेडरूम है, वो क्लोज है क्योंकि अभी आपको तैयार रह रही हैं। इस पर अगर आप नज़र डालें तो इसके साथ आपको बाहर गैलरी भी मिलेगी विंडो में, यहाँ पे अटैच बाथ भी है, दोनों के साथ अटैच बाथ है। सिमिलर ये कमरा ऐसे ही लेफ्ट है जैसे ये राइट आपको दिखाया, ऐसे ही ये कमरा लेफ्ट है, मतलब एंट्रेंस के बाद लेफ्ट साइड पर किचन, सामने दो कमरे। अब आपको ऊपर का दिखा देते हैं। अब मैं ऊपर वाले फ्लोर पे आया हूँ तो ऊपर ये टेरेस, आपको ये रोड दिखाई थी फ्रंट पे, घर का फ्रंट दिखाया था, लेफ्ट राइट एरिया दिखाया था, ऊपर का व्यू आप देख लें। मेन बुलेवार्ड एंट्रेंस के साथ मीडिया टाउन में, मेन बुलेवार्ड पे ये घर है और मीडिया टाउन में गैस भी है, बिजली भी है, पानी भी है, इस घर में बोरिंग भी हुई है, इनका अपनी बोरिंग है, वहाँ पर पानी खुला है। सिक्योरिटी मीडिया टाउन की नो डाउट बहुत अच्छी है, मीडिया टाउन की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। ये आपको टेरेस दिखाया था, टेरेस के साथ यहाँ से यहाँ आप फर्स्ट फ्लोर देख लेते हैं ऊपर वाला, इसमें एंट्रेंस के साथ सेम आपको ऐसे ही हॉल मिलेगा, टीवी लाउंज बना लें, यहाँ पे डाइनिंग रख लें, ये ओपन हॉल है, यहाँ पे एक लेफ़्ट साइड पे स्टोर है, इसको वैसे एक नज़र डाल लेते हैं, एक अच्छे साइज़ का स्टोर है। और यहाँ पे किचन है सेम जैसे नीचे था, ये उससे थोड़ा सा छोटा है किचन क्योंकि यहाँ पर स्टोर भी आ गया साथ। सिमिलरली सामने दो कमरे आ गए, हॉल के साथ सामने दो बेड आ गए, इन दोनों के साथ अटैच बाथ है। तो इस पर आप एक नज़र अगर डालें, सीलिंग वर्क देख सकते हैं और साथ अटैच बाथ, एक आइडिया आपको देने के लिए। सिमिलरली साथ का एक स्टैंडर्ड रूम है अच्छे साइज़ के, ये साथ वाला रूम देख लेते हैं, अगर आप यहाँ पे आईडी नज़र डालें तो इसके साथ भी सामने अटैच बाथ और ये बेडरूम, ये ज़रा उससे बड़े साइज़ का है। सीलिंग ऑलमोस्ट पूरे घर में अच्छी हुई हुई है। अब ये आपको छत दिखा देते हैं, यहाँ पे आपको देखें ये फनूस भी मिलेगा खूबसूरत डेकोरेटेड। लोकेशन घर की आउटस्टैंडिंग है, मैं अगर बताता चलूँ आपको, कंस्ट्रक्शन वर्क घर का अच्छा हुआ है। मीडिया टाउन की अगर बात करें एक बार फिर, मीडिया टाउन में सब चीज़ें अवेलेबल हैं, पानी, बिजली, गैस, सिक्योरिटी तो इनकी आउटस्टैंडिंग है। बेसिकली ये जर्नलिस्ट जो थे उनके लिए हाउसिंग सोसाइटी थी, 2004-05 में ये इसकी बुनियाद रखी गई थी चौधरी परवेज इलाही साहब ने। ये ऊपर आई हैं, सीढ़ियों पे आई हैं, आपको बताया, तीसरी बार बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे रह रहे हैं ऑलरेडी लोग और ख़ुद ऑनर सेल करना चाह रहे हैं, तो ये एक मुमटी में आपको स्पेस अच्छी खासी मिल जाती है जो आप अपना सामान रखना चाहें। उसके साथ अगर हम छत पर आते हैं तो छत पर ये देखें आप, छत पर भी ये कमरा मिलेगा, सर्वेंट क्वार्टर, इसके साथ भी अटैच बाथ है, सर्वेंट क्वार्टर साथ अटैच बाथ सामने, ये छत की सूरत हाल दीजिए। यहाँ से अगर आप छत का व्यू फ्रंट से देखना चाहें, सिमिलरली लाइक जैसे टेरेस था वैसे ही ऊपर फ्रंट का व्यू है। ये आप एक छत पे नज़र डाल सकते हैं, काफ़ी घर सब ऑलमोस्ट घर पर बने हुए, सिर्फ राइट साइड पे एक प्लॉट खाली है, लेफ्ट साइड पे भी घर बना हुआ है, पर ये एक छत है, छत आप देख सकते हैं फुली मार्बल हुई है, पानी की निकासी के लिए छत पे काम कंप्लीट है, सब कुछ कंप्लीट है, ये खुद रह रहे हैं। तो यहाँ से इस घर के एक छत की व्यू की अगर मैं बात करूँ, फिर वीडियो को क्लोज करते हैं, इस घर की डिमांड में आपको बता देता हूँ, नंबर नीचे लिखा हुआ है, अगर आपने एनी टाइम रब्ता करना हो तो जुल्कनैन साहब से रब्ता कर सकते हैं। ये भी PWD मेन रोड, PWD को कौन नहीं जाता, और सामने देखिए अभी भी रेस्टोरेंट का बोर्ड नज़र आ रहा है, मैं जूम करता हूँ, ये PWD उसके साथ मेन रोड पर और एंट्रेंस के पास ही ये घर है। यहाँ पे तहजीब, यहाँ जब मैं बाहर आए राइट साइड भी तहजीब बेकर्स ब्रांड है, जो एक पंजाब कैश एंड कैरी, मतलब PWD भी तो ऑलमोस्ट हर फैसिलिटीज़ है, मेरी PWD की वीडियो अवेलेबल है, सेवर फूड्स भी वहाँ आ चुका है, हर ब्रांड आ चुका है। PWD रोड के ऊपर ही मीडिया टाउन है और एंट्रेंस के बिल्कुल पास है ये घर, एंट्रेंस से आप आधा मीटर भी नहीं है, ये एक तो होता है 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर है। इस घर की डिमांड जी ये 6.25 करोड़ करते हैं, जो ऑनर हैं 6.25 करोड़ उनकी डिमांड है, और आप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, एनी टाइम घर को देखना और विज़िट कर सकते हैं, और आतिफ शहजाद को देंगे इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखेंगे, अगली वीडियो तक फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।